और राइटर्स 3 अक्टूबर के लिए बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देते हैं, बट बिफोर दैट ग्लोबल इंडेक्सेस पे नजर डाल लेते हैं। देखो यूएस मार्केट हो या फिर गिफ्ट निफ्टी हो, अभी के लिए तो भी मतलब यूएस स्टॉक मार्केट अभी के लिए ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट्स कहीं ना कहीं शो कर रहा है। और गिफ्ट निफ्टी जब फ्राइडे क्लोज हुए थे 97 पॉइंट्स में निगेटिव में क्लोज हुए थे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का जो है हायर टाइम फ्रेम का एक बार व्यू ले लेते हैं। देखो ट्रेडर्स यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट जोन ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वो जोन है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट करके एक बार यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाया था। उसके बाद में अगर आप ठीक से देखो तो देखो वीकली टाइम फ्रेम है, ये यहाँ पे बन रहा है एक राइजिंग विच पैटर्न, ठीक है, और थोड़ा बारीकी से देखिए तो देखो ये बन रहा है एक डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो ट्रेडर्स यहाँ पे एक जारी है ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट इन वाले लेवल्स को ब्रेक करता है ना तो यहाँ पे हमको बहुत मैसिव फॉल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक हायर टाइम फ्रेम का व्यू हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए वोलेटिलिटी के तरफ थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। अब बात करते हैं इंट्राडे के लेवल्स की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जोन ड्रॉ किया है छोटे टाइम फ्रेम पे, देखो इन बिटवीन अगर मार्केट ओपन होती है तो ये है एक नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। टॉप से लेके बॉटम पर यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करा है, देखो ये ऊपर का जो लेवल आ रहा है ये 38 के लेवल्स पे आ रहा है। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाती है या फिर फ्लैट ओपन होती है और इस वाले लेवल को ब्रेक करती है तो देखो 44,740 बाइंग लेवल है, 45,010 ये फर्स्ट टारगेट, 45,250 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक जा रही है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस वाले ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकडाउन देती है और साथ ही साथ इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर दिया तो 44,240 के नीचे सेलिंग हो सकती है, 44,892 टारगेट रहेगा।